हे हाय गाइस, आज मैं माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। साउची को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी और वो हॉस्पिटल पे जाने को तैयार नहीं थी। वो फैन को पकड़ लेती है और वहीं पर सो जाती है। अब जब सुबह होती है तो मिस ट्राई वेयर हाउस में आती है, जहाँ वो फैन और साउची को देख कर गलत समझ लेती है और तुरंत कुछ पिक्चर्स क्लिक करके वहाँ से चली जाती है। साउची जब उठती है तो वो फैंग से तुरंत दूर हो जाती है। यहाँ फैंग साउची को वार्न करता है कि वो फैंगली से दूर रहे, जिसके बाद वो चला जाता है। जब साउची ऊपर आती है तो मिस शाई उसे पिक्चर दिखाती है जहाँ वो फैंग के साथ थी और बताती है कि वो जल्दी बहुत ही अमीर होने वाली है। पर इस पिक्चर को देख कर साउची तुरंत डिलीट कर देती है। ये देख मिस शाई बहुत ही गुस्सा हो जाती है। यहाँ साउची सोच रही थी कि वो एक एलियन है, तो फिर फैंग उसे छू कैसे सकता है। इस राज को जानने के लिए साउची उससे मिलने का सोचती है। इधर फैंग के ऑफिस में फैंगली आ जाता है, जहाँ वो फैंग से कहता है कि अब उसे इस कैद में नहीं रहना, उसे आजादी चाहिए और उसे कोई भी एग्जीबिशन नहीं करनी है, अपनी पेंटिंग्स को नहीं बेचना है। वो सिक्योरिटी गार्ड को मार कर वहाँ से भागने जा रहा था, पर ऐसा फैंग होने नहीं देता क्योंकि फैंग के पास फैंगली की एक नहीं चलती। फैंग फैंगली को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है। उसी समय साउची वहाँ पहुँच जाती है और वो ये जानने के लिए कि आखिर फैंग उसे कैसे टच कर सकता है, वो फैंग को पकड़ लेती है और इस वजह से फैंगली फैंग से छूटकर भाग जाता है। ये देख फैंग को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो साउची को दीवार से चिपका देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। इसे भी साउची नोटिस करती है कि जब वो फैंग के साथ होती है तो उसके पावर्स काम नहीं करते हैं और ब्रेन ऑफ प्रोटेक्शन लेयर के भी फैंग उसे आसानी से छू सकता है। साउची फैंग से कहती है कि उसे लग रहा है कि वो उसके जैसा ही है, वो दोनों एक ही प्लेनेट से है। पर फैंग कहता है कि वो उससे बिल्कुल अलग है और उसे अपने प्लेनेट वापस ले जाना चाहिए, उसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। जिसके बाद साउची उदास होकर वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में वो शिव को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो इस प्लेनेट फंस गई है और उसका दोस्त भी उससे बातें नहीं कर रहा। तभी उसके सामने वही होटल आता है जहाँ पर फैंगली कैद था, तो वो तुक्का मारते हुए उस होटल में आ जाती है कि शायद उसे फैंगली मिल जाए और उसका तुक्का लग जाता है क्योंकि वहीं पर फैंगली छिपा हुआ था। साउची के पूछने पर फैंगली बताता है कि यही जगह है जहाँ पर उसका भाई उसे ढूंढेगा नहीं। यहाँ फैंगली साउची की एक पोर्ट्रेट बनाता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद फैंगली अपने मॉम के पास आता है और उन्हें मस्का लगाते हुए कहता है कि वो उसके क्रेडिट कार्ड को ओपन कर दे क्योंकि वो आजकल बहुत ही गरीब हो गया है। उसकी माँ कहती है कि वो ऐसा कर तो देगी, पर इसके लिए उसे एग्जीबिशन नहीं करनी होगी। फैंगली कहता है कि वो तो यही चाहता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पर उसका पर्स वहीं गिर गया था। उस पर्स को देख उसकी मॉम जान जाती है कि चियांग फैंगली को पहले से जानती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो फैंग को भी बहुत अच्छे से जानती है। वहीं इधर फैंग को साउची का रखा हुआ रेस्टोरेंट वाला एग्रीमेंट मिलता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कल से सारे स्टाफ का खाना साउची के रेस्टोरेंट से आएगा और सारा डिलीवरी साउची ही देगी। इससे ये होगा कि वो काम में इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसे ली से मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके अगले सुबह साउची अपने काम पर लग जाती है और बहुत सारे खाने का सामान लेकर फैंग के ऑफिस के लिए निकल जाती है। पर आज वो स्कूटी में जा रही थी, उसे चलाना तो आता नहीं था, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका कुछ सामान गटर में जा गिरता है। इधर फैंग जो कि साउची को ट्रस्ट कर रहा था, वो देखता है कि बहुत ही देर से साउची एक ही जगह पर है, तो वो चेक करने वहां जाता है और पाता है कि साउची गटर से बाहर निकल रही थी। साउची कहती है कि अभी भी 15 मिनट का समय है, तो वो समय पर डिलीवरी दे देगी। वो जाने की कोशिश करती है पर फैंग कहता है कि वो ऑर्डर को कैंसिल कर देगा, तो उसे जाने की जरूरत नहीं है। पर साउची जा रही थी तो फैंग उसे पकड़ लेता है और उसे एक शॉपिंग मॉल में ले आता है, जहाँ वो साउची के लिए कुछ कपड़े खरीदता है और उसे नहाने को कहता है। पर साउची ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो समय पर अपना डिलीवरी देना चाहती थी, तो साउची जल्दी से तैयार होकर फैंग को बिना बताए ही मॉल से बाहर आ जाती है। पर फैंग उसे ज्यादा देख लेता है तो वो उसका पीछा करता है। साउची जैसे ही बाहर आती है तो बाहर रोड था जहाँ गाड़ियाँ चल रही थी, जिससे साउची को डर लगता था, तो वो अपने पावर से समय को वहीं पर रोक देती है।
ऐसा करने से सारी चीज़ें थम चुकी थी, पर ये फैंग पर काम नहीं करता और उसे लग रहा था कि ये शायद हेलुसिनेशन है। वो बाहर निकलता है तो देखता है कि साउची बिल्कुल नॉर्मल थी, तो वो उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है कि उसका हेलुसिनेशन है या फिर रियलिटी। साउची जब फैंग को ऐसे देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर फैंग ऐसे चल कैसे सकता है। फैंग को उस पर शक ना हो कि ये सब उसने किया है, वो भी रुके हुए का एक्टिंग करने लगती है। पर फैंग उससे पूछ जा रहा था कि ये रियलिटी है या फिर उसका हेलुसिनेशन। जब देखती है कि साउची उसकी दाल नहीं गल रही है तो वो फैंग का ध्यान दूसरी तरफ करके सब कुछ नॉर्मल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। फैंग उसे ना देखकर सीधा मॉल के अंदर आता है जहाँ उसने साउची को नहाते हुए छोड़ा था। वो बाथरूम का दरवाजा खोल देता है और देखता है कि साउची वहीं पर थी। साउची फैंग पर गुस्सा करने लगती है कि वो इस तरह दरवाजे को खोलकर अंदर कैसे आ सकता है। तो फैंग उसे चुप रहने को कहता है और गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि उसे ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। जिसके बाद साउची अपने रेस्टोरेंट आ जाती है जहाँ वो फैंग के बारे में सोच रही थी कि जितना बुरा उसने फैंग को समझा था वो उतना बुरा है नहीं। उसने आज उसके गटर से निकलने में मदद की और साथ ही उसके लिए इतनी सारी शॉपिंग भी की। इधर फैंग अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है और बताता है कि उसका हेलुसिनेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, जहाँ वो साउची नाम की एक लड़की को देखता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है। ये डॉक्टर फैंग को बताता है कि शायद साउची उसके लिए बहुत ही अहम है, शायद इसलिए तो उसे साउची को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पर फैंग इस बात को नहीं मानता, जिसके बाद वो अपने ऑफिस आ जाता है जहाँ उसका सेक्रेटरी बताता है कि फैंगली की पेंटिंग की जो एग्जीबिशन होने वाली है उसमें जियांग उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद कर रही है। उसी समय साउची मिस शाई के साथ फैंग के ऑफिस के बाहर पहुँचती है उसी कार से जो कि उसे फैंग ने दिया था। मिस चाय साउची से कहती है कि उसे फैंग को अपने हाथों से जाकर खाना देकर आना है और जब तक वो खाना ना खाए उसे उसके पास ही रहना होगा, उसे फैंग का खास ख्याल रखना होगा, वो उसे पसंद जो करता है। ये बात सुन साउची हैरान हो जाती है। तब मिस चाय कहती है कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतनी महंगी कार की चाबी उसे नहीं देता। ये सुन साउची को अच्छा नहीं लगता और वो फैंग उसके कार की चाबी वापस करने अंदर आ जाती है जहाँ फैंग अपने मीटिंग में था। पर वो ये नहीं देखती और वो फैंग से सीधा पूछ देती है क्या ये बात सच है कि वो उसे पसंद करता है। ये बात सुनकर फैंग अपनी मीटिंग को क्लोज कर देता है और साउची पर गुस्सा करता है। यहाँ साउची उससे कार की चाबी वापस कर देती है और खाना खत्म करने को कहती है, पर फैंग कहता है कि वो अभी खाना नहीं खाएगा। पर यहाँ साउची वापस नहीं जा सकती थी जब तक फैंग अपना खाना खत्म न कर ले, तो वो अपने हाथ से ही फैंग को खाना खिलाना शुरू कर देती है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपको माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का एपिसोड 3 पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।